नमस्कार दोस्तों, जॉब कैर इन्फो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अपना गेट का रिजल्ट देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में गेट की किस किस ब्रांचेस में कितने कितने कट ऑफ गए हैं इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले 2018 गेट रिजल्ट जो आई है उसकी कट ऑफ्स, हर एक ब्रांच की सारी कटअप्स में आज आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं गेट की कटअप, गेट 2018 कटअप, जिसके मैंने यहां में सीरियल वाइज सारे ब्रांच की ले ली है। तो चलिए एनालाइज करते हैं। तो बात करें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई है 25, ओबीसी की 22 और एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकेप की 16.6। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई है 26.9, 24.2 और एसटी की 17.9। बात करें अगले ब्रांच की, तो अगली ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि ई, इसकी जनरल की गई है 29.1, ओबीसी की 26.1 और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी की 19.4। बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसकी कटअप आप ध्यान से देखें, जनरल की गई है 34.7, ओबीसी की 31.2 और एससी एसटी के लिए 23.1 कट ऑफ गई है। बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ईसी, जनरल की कट ऑफ गई है 25, ओबीसी में यहां बात कर रहा हूं नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी की गई है 22.5 और एससी एसटी के लिए 16.6। बात करें अगली यानी कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पीआई, इसकी जनरल की कट ऑफ गई है 32, ओबीसी की 28.8 और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी की 21.3। अगली ब्रांच की अब हम कटअप एनालाइज करते हैं। तो अगली है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यानी कि आईएन, जनरल की कटअप गई है 37, ओबीसी की गई है 33 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की गई है 24.7। एरोस्पेस इंजीनियरिंग यानी कि ईई, इसकी एई यानी कि इसकी कटअप गई है जनरल की 25, बहुत ही कम, और एससी एसटी की 16.6, ओबीसी की 22.5। अगली है केमिकल इंजीनियरिंग सीएच, जनरल की गई है 37.8, ओबीसी की 34, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 25.1। अगली है केमिस्ट्री यानी कि सीवाई, जनरल की गई है 25.4, ओबीसी की गई है 22.8 और एससी एसटी के लिए 16.9। अगली ब्रांच के बारे में हम बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स की गई है 29.0, ओबीसी की 26.1, एससी एसटी की 19.3। जियोलॉजी एंड जियोग्राफिक्स यानी कि जीजी, इसकी कट ऑफ गई है 32.4, जनरल के लिए 29.1, ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर और एससी एसटी की गई है 21.5। अगली है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बीटी, इसकी कट ऑफ गई है 27.9, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए गई है 25.1 और एससी एसटी के लिए गई है 18.5, पीडब्ल्यूडी की भी। अगली ब्रांच है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस के जनरल की कट ऑफ गई है 29.9, ओबीसी की गई है 26.9 और एससी एसटी की 19.9। आइए अब अगले ब्रांच के हम देखते हैं। तो हमारा अगला ब्रांच है आर्किटेक्चुरल इंजीनियरिंग यानी कि एआर, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, जनरल की गई है 43.9, ओबीसी की 39.5 और एससी एसटी की 29.2 और पीडब्ल्यूडी की भी 29.2। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की हम बात करें यानी कि एजी, इसकी जनरल की कटअप गई है 25, ओबीसी की 22.5, एससी एसटी की 16.6। अगला है हमारा मैथ्स यानी कि एमए, जनरल की गई है 29.4, ओबीसी की गई है 26.4 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की गई है 19.5।
अगला और हमारा आखिरी स्ट्रीम है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जनरल की कटअप गई है 29.39.8, ओबीसी की 35.8 और जन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की 26.5। तो दोस्तों ये था हमारा गेट की कटअप 2018 के लिए।